नमस्कार, मेरा नाम है जिया और आप देख रहे हैं चैनल द विवरण। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश भर में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना वो लोग कर रहे हैं जो घर में भी नहीं है। जी हाँ, डेली वेजर्स, माइग्रेंट वर्कर्स जो कि देश भर में अन्य अन्य जगहों पर फैले हुए हैं। ऐसी एक वीडियो सामने आई है जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता से हमारे पास आई है। ये लोग गुहार लगा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ JNK एंड ममता बनर्जी दैट इज बंगाल गवर्नमेंट को कि उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचा दिया जाए। आइए देखते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग कश्मीरी लोग हैं, कलकत्ता में रहते हैं, हम शॉल का बिजनेस करते हैं। यहाँ अचानक लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहाँ फंस गए हैं। हमारा पैसा, कुछ जो भी पैसा था वो तो खत्म हो गया। हम लोग अब परेशान हैं, सोचते हैं तो करें तो क्या करें। हम गवर्नमेंट से मौदबाना अपील करते हैं, प्लीज प्लीज हमारे लिए कुछ अरेंज कीजिए, हमको यहाँ से निकालिए। गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, अलबत्ता बंगाल गवर्नमेंट से और कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम मौदबाना अपील करते हैं, प्लीज हमको यहाँ से निकालिए। हम बहुत परेशान हैं, बहुत मुसीबत में हैं, प्लीज हमको यहाँ से निकालिए। शुक्रिया। हम लोग यहाँ कश्मीरी शॉल बिजनेस करते हैं। हम लोग यहाँ क्वारंटाइन पे कोरोना वायरस की वजह से फंस गए हैं। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर को अपील करते हैं कि हमें यहाँ से निकाले किसी भी तरह। हम लोग बंगाली गवर्नमेंट से भी, कलकत्ता की गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि हमें यहाँ से निकाल दें। एक और वीडियो जो हमारे पास सामने आई है वो आई है दिल्ली के हौस खास एरिया से, जहाँ की कुछ लड़कियाँ फंसी पड़ी हैं और उनका जो लैंडलॉर्ड है, जो कि मकान मालिक है, उन पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है रेंट पेमेंट के लिए। तो यही लड़कियाँ गवर्नमेंट से अपील कर रही हैं, पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट से अपील कर रही हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से ले जाया जाए और कश्मीर पहुंचाया जाए। आइए देखते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ कश्मीर की लड़कियाँ जी असराय हौस खास दिल्ली में फंसी हुई हैं और हम यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं और यहाँ के जो ओनर हैं वो हमसे रेंट मांग रहे हैं। लास्ट मंथ तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं लेनी है, लेकिन उन्होंने फिर भी हमसे पैसे ले लिए और अब नेक्स्ट मंथ आ रहा है तो फिर ये हमसे फिर से पैसे मांगेंगे और हम इस अफोर्ड नहीं कर सकते और वो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लड़कियां बीमार हुई थी कुछ दिन पहले और हमने हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल की, लेकिन किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। और फिर हमने आज भी हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल किया बट वहां से कोई भी रिस्पांस नहीं आया और उन्होंने कहा अगर कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो फिर आप खुद ही सारी जो भी मुश्किलात है उनको आप खुद ही हैंडल करो, टैकल करना है खुद करो। और हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, तो हमें प्लीज यहाँ से निकालिए मेहरबानी करके। हम यहाँ पे बहुत डिप्रेशन में है, हमें बहुत सारी परेशानियां हो रही है यहाँ पे। जब बाकी स्टेट्स जब अपने बच्चों को इवैक्यूएट कर रही है तो फिर JNK स्टेट के बच्चे यहाँ क्यों रहेंगे? खासकर लड़कियों के लिए इतना इनसेंसिटिव होना तो ठीक नहीं है। और इतने हमने बहुत सारी कोशिशें की, मीडिया, न्यूज़पेपर, एडिटर सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम बेबस हो गए हैं, वी आर हेल्पलेस हियर, और इसलिए हम ये वाला स्टेप उठाने के लिए हम रेडी हो गए हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप प्लीज हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें जितना हो सके प्लीज। और ये चीज बढ़ ही रही है, ये कम नहीं हो रही है और कंडीशन वर्स हो रही है और दिन ब दिन ठीक नहीं होगा, ज्यादा ही होगा और हम उससे ज्यादा फंस जाएंगे इधर। ये भी हमें कब तक, थोड़ा थोड़ा तो खाना मिल रहा है, थोड़ा सा मिल रहा है, अपने हिसाब का तो नहीं मिल रहा है, फिर भी हम झेल रहे हैं, प्लीज हमें यहाँ से निकाल। तो हम अपने चैनल द विवरण के माध्यम से ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से, पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट JNK एंड स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल से कि इन लोगों को जल्द से जल्द घर पहुंचा दिया जाए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया जाए। इफ यू रियली लाइक द कंटेंट प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल द विवरण।